तो गाइस टाइम बदल रहा है और इसी के साथ लोकेशन भी बदल रही है, और आज हम आ चुके हैं मुंबई से हरियाणा, और हम आए हैं इस मोटरसाइकिल के लिए जो कि आती है हीरो के तरफ से, इन ल्यू एक्सपल्स 200T। और आज के इस वीडियो में इसी बाइक के बारे में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, सब कुछ यानी कि इसके इंजन के बारे में, इसके टायर्स फिगर्स के बारे में, इसमें आपको क्या फीचर्स मिल रहे जो बाकी बाइक्स में नहीं मिल रहे, तो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम, लेट्स एक्सपल्स दिस वीडियो। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस ब्यूटीफुल मशीन जो कि हीरो मोटोकॉर्प्स ने बनाई है, इसके लुक्स वगैरह के बारे में। तो देखो फ्रंट में देखोगे तो राउंड शेप की इसकी लाइट्स मिल रही है, जिससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि ये एक तरह की ऑफ रोड बाइक है, लेकिन ये ऑफ रोड बाइक नहीं है गाइस, ये है 200T जो कि ऑन रोड बाइक है। यानी कि इस बाइक को आप लोग सिटी वगैरह में, हाईवे वगैरह में इजीली इस बाइक के साथ टूर वगैरह कर सकते हो। और स्पेशली अगर मैं बताऊं एक पॉइंट में, तो ये एक ऐसी बाइक है जब भी आप कोई प्लानिंग कर रहे हो कहीं पर टूर वगैरह पे जाने के लिए, तो उस बाइक को लेके आप लोग इजीली बड़े टूर के लिए लेके निकल सकते हो। 200-300 किलोमीटर की अगर आपकी राइड है तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट है। लुक्स वगैरह आप लोग देख ही रहे हो, साइड से अगर आप लोग देखोगे तो एक रेट्रो फिनिशिंग भी आपको मिल जाती है। फ्रंट से जैसे कि मैंने बताया राउंड शेप की हेडलाइट्स है, तो ये भी एक रेट्रो फील इस बाइक को प्रोवाइड कर रही है। और वहीं चलते हैं इसके पीछे की तरफ, तो पीछे इसकी जो टेल लाइट है ये भी बहुत ही खूबसूरत डिजाइन के साथ आपको देखने मिलती है, जिसमें ये जो टर्न इंडिकेटर्स है ये भी इस बाइक के लुक्स को और भी ज्यादा एनहांस कर रहे हैं। और उसी के साथ इसके अगर आप लोग ग्रैब रेल्स देखते हो तो ये भी इस बाइक की डिजाइन में बहुत ही बड़ा रोल निभा रहे हैं। तो इन शॉर्ट बाइक के जो लुक्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, कहीं से भी लुक्स में आपको कोई कमी नहीं देखने मिलती है। गाइस अगर बात करें इस बाइक के लाइटिंग ड्यूटीज के बारे में, तो देखो फ्रंट में आपको मैं बता देता हूँ, ये जो इसकी आप लोग हेडलाइट देख रहे हो इसमें आपको कम्प्लीटली LED लाइट्स ऑफर की गई है। जहां पर ये जो नीचे वाला सेक्शन है ये इसका हाई बीम है, और ये ऊपर वाला इसका लो बीम है। मैं आपको स्टार्ट करके अभी दिखा देता हूँ इसका हाई बीम और जो इसकी इल्यूमिनेशन है इसकी बैटरी की वो आपको कैसी मिलती है। ये आप लोग इसकी लाइट्स देख सकते हो, अभी फिलहाल लो बीम चल रहा है। अब जैसे ही मैं इसमें हाई बीम करूंगा, सॉरी अभी हाई बीम था ये नीचे वाला, ये इसका लो बीम है, तो इल्यूमिनेशन का आइडिया आपको इतना डे टाइम में समझ में नहीं आएगा। बाकी बात करें इसके टर्न इंडिकेटर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब का यूज देखने मिलता है इस बाइक में, सिर्फ यहाँ पर ही आपको LED में इसकी लाइट्स ऑफर की जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसकी टेल लाइट्स देखते हो तो इसमें आपको LED लाइट्स का यूज देखने मिलता है, और जो इस बाइक के टर्न इंडिकेटर्स है उसमें आपको हेलोजन मिलता है। तो गाइस अब बात करते हैं इस एक्सपल्स 200T के टायर्स, इसके सस्पेंशन, और इस बाइक में आपको क्या ब्रेकिंग कैपेबिलिटी मिलती है, तो वो सब के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके टायर सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो MRF के जेपर वाले आपको इस बाइक में ट्यूबलेस टायर ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि 100x80 सेक्शन के साथ ये टायर आपको मिलते हैं। साथ ही के साथ 17 इंच का आपको यहाँ पर अलॉय व्हील मिल जाता है, तो अलॉय व्हील भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के साथ आता है। वहीं बात करें इसके डिस्क ब्रेक के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बड़ी सी डिस्क ब्रेक तो आपको मिल ही रही है। साथ ही के साथ इस बाइक में आपको ABS भी ऑफर किया जा रहा है, आप लोग ABS की रिंग यहाँ पर देख सकते हो। यही बात करते हैं इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर किया जा रहा है विथ एंटी फ्रिक्शन बुश के साथ। और इस बाइक के जो सस्पेंशन का ट्रैवल है वो आपको करीबन 130 mm के आसपास देखने मिलता है, और ये जो इसके टेलीस्कोपिक है ये करीबन आपको 37 mm डायमीटर के साथ देखने मिलते हैं। अब चलते हैं इस बाइक के रियर में, और इस बाइक के अगर रियर टायर साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको MRF के ही जेपर वाले टायर ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि आपको 130x70 सेक्शन के साथ देखने मिलते हैं। और वहीं बात करें इसके अलॉय व्हील्स के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको 17 इंच का ही अलॉय व्हील ऑफर किया जा रहा है। पीछे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, लेकिन ABS आपको पीछे नहीं मिलता है, ABS आपको सिर्फ फ्रंट में मिलता है, तो ये बाइक आपको सिंगल चैनल ABS के साथ मिलती है। वहीं बात करें इसके रियर सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसमें मोनोशॉक ऑफर किया जा रहा है, जो कि आपको 7-स्टेप एडजस्टमेंट के साथ मिलता है। यानी कि आप लोग 7 स्टेप तक इस मोनोशॉक को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, और इस बाइक में जो स्टेबिलिटी है वो आप लोगों को उस अकॉर्डिंग मिलेगी। तो गाइस अब बात करते हैं इस 200T के हार्ट के बारे में, यानी कि इस बाइक के इंजन के बारे में। तो गाइस इस बाइक का जो इंजन है उसमें जो एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट आपको ऑफर किया जा रहा है वो है करीबन 199.6 सीसी का, और ये जो इंजन है ये आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 4 वेल्व के साथ देखने मिलता है। पुरानी वाली जो 200T आती थी उसमें आई थिंक 2 वेल्व के साथ उसका इंजन ऑफर किया जा रहा था, लेकिन अब आपको इसमें 4 वेल्व के साथ इसका इंजन ऑफर किया जा रहा है, जिसके कारण जो टॉर्क आउटपुट है, जो पावर है वो भी इंक्रीज हो चुके हैं। और बात कर लेते हैं इस बाइक के पावर फिगर्स के बारे में,
तो 14.1 HP का आपको इसमें पावर मिलता है 8500 RPM पर। और वहीं बात करें इस बाइक के मैक्सिमम टॉर्क के बारे में तो करीबन 17.35 Nm का आपको इसमें टॉर्क मिलता है जो कि आपको 6500 RPM पर अचीव हो जाता है। तो पावर फिगर्स के मामले में गाइस बहुत ही पावरफुल है ये बाइक। इस बाइक का राइड रिव्यू भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करेंगे। वहीं बात करें इस इंजन के ट्रांसमिशन के बारे में तो गाइस हाई स्पीड कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स का आपको इसमें ट्रांसमिशन ऑफर किया जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ गियर्स इस बाइक में आपको 5 देखने मिलते हैं। और इस इंजन के अगर कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें आपको ऑयल कूल्ड देखने मिलता है। इसी के साथ इस इंजन में आपको फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी और साथ ही के साथ ये इंजन डायरेक्टली आपको BS6 नॉम के साथ देखने मिलता है। आप लोग यहाँ पर इसका कैटेलिटिक कन्वर्टर देख सकते हो। और एक इसके इंजन में आपको खासियत देखने मिलेगी, इसका जो इंजन हेड है वो आपको रेड कलर के साथ देखने मिलता है। नॉर्मली आपने बाकी बाइक्स में इस तरह का जो इंजन हेड है वो कलरफुल नहीं देखने मिलता है, तो हीरो वालों ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा काम किया इस बाइक के लुक्स को थोड़ा और इनहेंस करने के लिए। तो गाइस अब बात करते हैं इस बाइक के टॉप व्यू के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इसकी सीट देख लो, सिंगल टाइप की आपको सीट मिल रही है जो राइडर के लिए स्पेस है बहुत ही ज्यादा इनफ है, और पिलियन के लिए थोड़ा स्पेस कम मिलता है जो कुशनिंग है थ्रू आउट दिस सेम कुशनिंग आपको मिल रही है जो कि है सॉफ्ट। आप लोग देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट कुशनिंग मिलती है। अब बात करते हैं इस बाइक के मेन हाईलाइट के बारे में जो कि है इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। तो आप लोग देख सकते हो गाइस फुली डिजिटल कंसोल आपको इस बाइक में ऑफर किया जा रहा है। आप यहाँ पर आप लोग देखोगे तो स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ऑडोमीटर, टाइम वगैरह, गियर पोजीशन इंडिकेटर, तो सारे इंडिकेशन आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं वो भी डिजिटल में। और उसी के साथ आपको ये बाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलती है, यानी कि आप लोग अपने स्मार्टफोन को इस बाइक के साथ पेयर कर पाओगे और ट्रिपल नेविगेशन का जो फायदा है वो आप लोग इसके कंसोल में उठा पाओगे। बाकी सारे इंडिकेशन जैसे कि न्यूट्रल, ABS, टर्न इंडिकेशन, इंजन मेल फंक्शन और साइड स्टैंड वाला जो फीचर है वो भी आपको इस बाइक में मिलता है, यानी कि जब भी आपकी बाइक साइड स्टैंड पे होगी तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो इस तरह के कुछ फीचर्स भी आपको इस बाइक के साथ मिल जाते हैं। बात करें इस बाइक के हैंडल के बारे में तो उसके पहले आप लोग इसकी की देख लो, कुछ नॉर्मल सी की मिलती है जैसे बाकी हीरो बाइक्स में मिलती है। तो जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो आपको यहाँ पर हैंडल बार की यहाँ पर मिलता है। बाकी हैंडल बार के इस तरफ आपको इंजन किल स्विच देखने मिल जाता है, इसका एक्सेलरेटर ग्रिप देख सकते हो, जो ब्रेक लीवर है वो नॉन एडजस्टमेंट के साथ आता है। ये जो मिरर्स आप लोग देख रहे हो ये काफी शार्प लुकिंग के साथ आपको मिलते हैं, काफी जो विजिबिलिटी है बहुत ही अच्छी मिल जाती है। और वहीं बात करें इस तरफ तो यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम का मिलता है, नीचे आपको टर्न इंडिकेशन के बटन मिल जाते हैं, उसके नीचे आपको हॉर्न का बटन दिया गया है, आप लोग हॉर्न भी सुन लो इस बाइक का। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर पास स्विच दिया गया है और जो क्लच लीवर है वो भी आपको नॉन एडजस्टमेंट के साथ देखने मिलता है। और बात करें इस बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में तो करीबन आपको इस बाइक में 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने मिलती है। तो 200 CC की ये बाइक है लेकिन जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो भी आपको बहुत ही ज्यादा इनफ मिल रही है। तो गाइस बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशंस के बारे में, तो इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ आपको मिल रही है वो है करीबन 2118 mm की, और इस बाइक की जो ओवरऑल विड्थ है वो है करीबन 805 mm की। इस बाइक की जो हाइट है वो आपको 1075 mm की देखने मिल जाती है। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है करीबन 175 mm का। इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है करीबन 153 kg का। तो बाइक ज्यादा हेवी भी नहीं है, बहुत ही सही वेट के साथ ये बाइक आपको देखने मिलती है। इस बाइक की जो सैडल हाइट आपको ऑफर की जा रही है वो है करीबन 790 mm की। और इस बाइक के अगर चेसी फ्रेम के बारे में बात करें तो डायमंड फ्रेम आपको इसमें देखने मिलता है, जो हीरो की बाकी बाइक्स में भी आपको इस तरह का फ्रेम मिल जाता है। और गाइस ये बाइक आपको टोटल 3 कलर ऑप्शंस के साथ देखने मिलती है। अभी आप लोग ये कलर देख रहे हो ये है इसका स्पोर्ट रेड कलर, इसके अलावा जो 2 कलर आते हैं उसमें से एक है लाइम येलो और जो तीसरा आता है वो है इसका मैट शील्ड गोल्ड। तो गाइस अब बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो इस बाइक की जो एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस है वो करीबन आपको 1,38,000 के आसपास देखने मिल जाती है। और अगर आपको अपने सिटी में इस बाइक की प्राइस जाननी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।